फिल्म्स जो ये बैडमैन बाबू ला रही है, ये भोजपुरी और उड़िया में बन रही है और भोजपुरी से एंट्री है और अच्छे तरह से हम लोग इंटर किए हैं इस फिल्म नगरी में। और बाबू का जो कैरेक्टर है, जो हमारे सोशल भोजपुरी में सोशल परिदृश्य को लेते हुए है और इसका अंदर को लेते हुए इसमें इंटरटेनमेंट भी है और सब चीज़ है। फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहेंगे। फिल्म में हम लोग लिए हैं, ये रानी चटर्जी हैं, भोजपुरी की स्टार नायिका हैं और वहाँ से बाबू सांग को लेंगे उड़ीसा से, जो स्टार हैं उड़िया में, और वहाँ से 30 सालों से उड़िया इंडस्ट्री के उत्तम और अपराजिता महंती, ये दोनों तीन वहाँ से उड़ीसा से हैं और एक बॉम्बे से हैं और एक भोजपुरी स्टार जो हैं रानी चटर्जी। एक तरफ भोजपुरी है, एक तरफ उड़िया है, कैसे तालमेल बिठाया है उसका जुड़ा हुआ। हम लोग का बेसिकली जो काम है, रियल एस्टेट के बड़े बड़े टाउनशिप आते हैं जो अपना बिहार के नेपाल के तराई क्षेत्र से होके और पूरी तक जाता है, जो रांची भी है, तो उस बेस के जितने कल्चरल और जो सामाजिक जो मामला है उसको देखते हुए बनाए हैं और हम लोग उसको बहुत अच्छे ढंग से, हर जगह अपना सेंटर है वो शूटिंग करने का और सब चीज़, वहाँ के लोग सभी उपलब्ध हैं और हमारे डायरेक्टर साहब जो ब्रजभूषण जी हैं, इसके बहुत अच्छे मिथिलेश भाई हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे काम करने में, तो ये लोग संभाल लेंगे। भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म है, किस तरह की कहानी डेवलप करेंगे? देखिए, ये बैडमैन बाबू ये जो फिल्म है, एक तो पहली बात है कि बिल्कुल डिफरेंट है। इन दिनों सब लोग लगभग जानते ही हैं कि भोजपुरी काफ़ी मृत प्राय जैसा हो गया था बीच में और एक आवश्यकता थी कि कुछ उसके लिए कुछ और हटके किया जाए, क्योंकि बड़ा हैकनीट ढंग से एक ही चीज़, एक ही वही ठाकुर की कहानी, वही सारी बातें थी, गानों का स्टाइल भी वही रहता था, टाइटल भी वही पुराना प्रीतिया और सैया पे जुड़ा होता था। तो हमने ऑलवेज एक्सपेरिमेंट किया है, पहले भी हमारी सारी फिल्में करीब 16-17-18 फिल्में हो गई भोजपुरी की, 7-8 हिंदी की हैं, तो मैं चाहा कि थोड़ा डिफरेंट कुछ हो, हमेशा डिफरेंट करता रहा हूँ। तो ये बैडमैन बाबू जो है, टाइटल से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बैडमैन ही हो सकता है फिल्म में जाके वो गुडमैन साबित हो, लेकिन लोगों को फिलहाल एक बैडमैन नाम रखा गया, बैडमैन बाबू। और दरअसल इसमें जो है सो हमारे बिहार में जो दबंगई एक शब्द है जो यूज होता है, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों को भी दर्शाया गया है एंड बहुत ही अच्छा एक माने सामाजिक और ये सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है। इट कैन बी, आई थिंक ये फिल्म एक अवार्ड विनिंग फिल्म भी होगी, मे बी कि टैक्स फ्री भी हो, इस तरह की बातें हैं इसमें कुछ ऐसी, और बहुत ही मनोरंजक भी है सब तरह से है। अच्छा सर, फिल्म का जो पोस्टर हमने देखा, सिर्फ उसमें रानी चटर्जी दिखाई दे रही है, बाकी कलाकारों को नहीं दिखाया? बाकी कलाकारों का जस्ट फाइनलाइजेशन चल रहा है, हम लोगों की बात फाइनल लगभग हो गई है, लेकिन उनके चेहरे चूंकि रिकॉर्डिंग में अभी उपलब्ध नहीं था, तो आइए आइए तो उपलब्ध नहीं था इसलिए अभी जोड़ा नहीं है, लेकिन सब लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। अभी हमारे साथ गेस्ट में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे अभी देखिए अवधेश जी आ गए हैं, तो रानी जी इसमें मेन हीरोइन हैं और जैसा कि हमारे निर्माता ने बताया है कि बाबू सान उड़ीसा के हीरो हैं, उन्हीं के माँ फादर का रोल भी वहीं से लिया है हमने, वो बहुत पुराने मैंने स्टार ये रही हैं, फादर मदर का रोल करती रही हैं, एमपी भी हैं शायद, पहले थी, खैर तो वो लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, तो उड़ीसा से भी कुछ बड़े कलाकार लोग हैं और भोजपुरी के भी जितने लगभग दिग्गज जो हमारे सब्जेक्ट में शूट करते हैं उन लोगों को रखा जाएगा और फिल्म एक ऑलमोस्ट कमर्शियल फिल्म होगी। तो फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ की जाएगी? इसकी शूटिंग कुछ पोर्शंस उड़ीसा में करेंगे, पुरी या भुवनेश्वर, और बाकी पोर्शन बिहार में कुछ रांची में भी होगा, रांची में भी होगा और बॉम्बे का तो है ही थोड़ा बहुत, तो इस तरह से थोड़ी सी वेरिएशन चाहिए क्योंकि लोग जाता था एक जगह गए फिल्म ठोक के चले आए, तो वैसा नहीं है, बड़े टेस्ट से और अच्छे ढंग से इसको बनाई जाएगी फिल्म प्यार से। आज गाने की रिकॉर्डिंग की जा रही है, कितने गाने हैं फिल्म में? देखिए गानों में 8 गाने हैं,
और बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मेरे 8 गाने बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे आपको, जैसा कि टाइटल देखा कि थोड़ा अंग्रेजी मिला हुआ है बैडमैन बाबू, तो उसी तरह से हमारे गाने भी डिफरेंट हैं। और डिफरेंट का मतलब यह भी नहीं है कि भोजपुरी संस्कृति से बिल्कुल हटके हैं, संस्कृति को लिए हुए हैं, वहाँ के फोक भी हैं, लेकिन अलग लगेगा, कानों को नहीं लगेगा कि हाँ ये 50 बार सुन चुके हैं वही धुन सब है, तो काफ़ी डिफरेंट। के रत्नेश जी ने बहुत अच्छा संगीत दिया है, मिथिलेश जी हमारे, मिथिलेश सिन्हा जो नवभारत टाइम्स में थे, अभी वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं, तो उनके गाने हैं और बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि फिल्म शूटिंग बस ये कास्ट जैसे सब फाइनल हो जाता है तो हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहला पोर्शन ये उड़ीसा का तो पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर बिहार का दौरा किया जाएगा। पूरी फिल्मों में आप बैडमैन से जाने जाते हैं और आज मुहूर्त भी फिल्म बैडमैन बाबू का है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार किसी अच्छे नाम से फिल्म बनती है। बैडमैन मतलब इंसान अच्छा होता है तभी उसकी चंद बुराइयां आगे दिखती है, इसलिए बैडमैन बोला गया। जिसमें अच्छाई नहीं होगी बुराई दिखेगी नहीं, जिन लोगों में ज़्यादा बुराई होती है उनको गुडमैन बोलते हैं। तो टाइटल बड़ा अच्छा है, कैची है, बस यही कहूँगा आज के दिन, दुआ दूंगा मेरी, अगर मैं एक राज की बात बता दूँ, ब्रजभूषण जी के साथ मैंने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी, इनके पास ही पहला संघर्ष किया था, और मेरी बदकिस्मती, मेरा बैड लक की आज तक कभी काम किया नहीं, नहीं अभी जुड़ रहा है, आज इनके बगल में खड़ा हूँ ये मेरे लिए सौभाग्य है, अच्छा अच्छा लग रहा है। तो बस शुक्रिया कहूँगा इनका, ब्रज जी का, कि उन्होंने मुझे बुलाया, और आप तमाम दर्शकों का प्यार, आज मैं हूँ यहाँ पर इनके साथ, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी संपूर्ण दुआएं हैं सर के साथ। सर कुछ रोल बताया दिया है कुछ? मोस्ट प्रोबेबली अवधेश जी का साथ मिलेगा ऐसी मुझे उम्मीद है, और साथ देंगे इस फिल्म में, और हम लोग साथ होंगे, और बाकी जो है सो बहुत दिनों से हमारी भी इच्छा थी कि अवधेश जी के साथ काम किया जाए, लेकिन कोई मौका प्रॉपर नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऐसा रहा कि इनका एक डिफरेंट देखा, भोजपुरी में भी बहुत सारे विलन हैं, लेकिन इनका देखा कि ये अपने गेटअप पे सब चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं, जैसे उस ज़माने में प्राण शाह वगैरह किया करते थे, या और भी जितने बड़े विलन हुए हैं, तो भोजपुरी में इकलौता यही एक एक्टर मुझे लगते थे कि जो अपने गेटअप पे काम करते हैं, अपने डायलॉग्स पे वर्कआउट करते हैं, तो तब से मेरी इच्छा थी कि करें साथ, लेकिन करें तो कुछ अच्छा हो, तो शायद वो मौका अब इसमें आ रहा है, तो हम लोग ज़रूर साथ करेंगे। पुष्पा जी आए हुए, क्या कहेंगे पुष्पा जी? हाँ पुष्पा, अरे आइए जी को बिल्कुल अलग रोल में देखिएगा, और कहिए तो इनका कैरेक्टर का टाइटल नाम बोल दूँ, इनके कैरेक्टर का नाम है जमुना धाई, जो बच्चे जानती हैं, और जिस गांव में फिल्म है उसके आधे लोगों को इन्होंने ही जाना है, अब इन्हीं से बात कीजिए। पुष्पा जी क्या करना चाहिए, किस तरह का रोल सर ने दिया आपको? सर ने जो कहा है ना धाई का, तो धाई का नाम बोलने से सबसे पहले आप लोग याद हो रहा है पन्ना धाई थे, इतिहास में मशहूर हैं वो, तो धाई का काम है तो जन्म देना और उस बच्चे की रक्षा करना जिसकी कोई नहीं कर पाता है, इवन आजकल के जो बड़े बड़े MBBS हैं वो लोग भी नहीं कर पाते, वो मैंने काम किया है इनकी फिल्म में। और एक इतना अच्छा उद्देश्य है इस फिल्म में कि मेरे बोलने से शायद उतना प्रभाव नहीं पड़े जितना अगर आप लोग भी फिल्म देखने के बाद इसके बारे में लिखें, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण ये फिल्म है, और मैं तो इनकी कहानी सुनकर और अपना कैरेक्टर सुनकर इतनी खुश हो गई कि मैं क्या बताऊँ। मैम दो लेंगे जो मन रहे भोजपुरी में उड़िया में, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं तो चाहूँगी कि हिंदी में भी बने, बिकॉज ये फिल्म का जो कन्वास, हाँ कन्वास है, और जो उद्देश्यपूर्ण है वो सबको मालूम होना चाहिए। थैंक यू।